नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। समाजवादी पार्टी ने राज्य में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम था। इसके बाद पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं का नाम लिस्ट में था। पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 लोगों का नाम था। हालांकि परिवार के बाकी लोगों का नाम स्टार प्रचारकों में है, लेकिन उनके चाचा राम गोपाल यादव का नाम इस लिस्ट में नहीं है। जी हां, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी निकाय चुनाव प्रचार को लेकर समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट से अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव का नाम गायब है। लिस्ट में राम गोपाल यादव का नाम न देख तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। एक तरफ चाचा शिवपाल, जहां सपा के गढ़ मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद और बदायूं में प्रत्याशियों के पक्ष में जोर शोर से प्रचार करने में बिजी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राम गोपाल यादव कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, जबकि 4 मई को ही पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। वहीं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, केंद्र और प्रदेश सरकार में मंत्री तक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं सपा की तरफ से अभी कोई बड़ा नेता मैदान में नहीं उतरा। सपा की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आजम खान, शिवपाल यादव, किरण मय नंदा, राम गोविंद चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र यादव सहित कई दिग्गज नेताओं का नाम है, लेकिन न ही लिस्ट में राम गोपाल यादव का नाम और न ही उनके बेटे अक्षय यादव का नाम है, जो कि फिरोजाबाद से सांसद रह चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते अखिलेश यादव का नाम है। इसके बाद राष्ट्र उपाध्यक्ष किरण मय नंदा का नाम है। तीसरे चौथे नंबर पर राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और शिवपाल सिंह यादव हैं। हालांकि पद के अनुसार राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का नाम अखिलेश यादव के नीचे रहता है। अभी सपा में इस पद पर रामगोपाल यादव है, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। इस लिस्ट में मैनपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव का नाम है। इसके अलावा सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्ग का नाम स्टार प्रचारकों में नहीं। सूत्रों की माने तो बीते दिनों से सांसद वर्ग सपा से नाराज चल रहे हैं। बता दें कि स्वार और 96 सीट पर 10 मई को वोटिंग होनी है और इन दोनों ही सीटों पर वोटों की गिनती 13 मई को होगी। जी हाँ, तो देखा आपने, राम गोपाल यादव का लिस्ट में नाम नहीं है, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। यूपी की सियासत में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप अपने चाचा को भूल गए हैं? अखिलेश, क्या दोनों में दूरियां बढ़ गई हैं? खैर, अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।